हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी नाश्ते के साथ, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैं मार्केट चली गई थी तो थोड़ा लेट हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाकी काम करने से पहले मैं नाश्ता बना देती हूं, ताकि बच्चे काम में पी ना करें। और यहाँ पर मैं बना रही थी वेज सैंडविच, जिसमें मैंने ब्रेड में पहले मेयोनीज लगाया था, फिर मैंने ये प्याज टमाटर ये सब छोटे छोटे बारीक काट कर इसमें लगा दिए थे। इनमें मैंने नमक मिला दिया था, फिर मैंने लगा दिया था टोमेटो सॉस, और फिर मैं इसमें अब लगाऊंगी बटर। तो ये मैं बटर लगा रही हूँ, और इसमें बटर लगा कर फिर अच्छे से पूरे उसमें बटर लगा दूंगी, ताकि जब मैं इनको सेकूँ तो ये क्रिस्पी से बने। तो इनमें बटर लगा कर फिर मैं इनको, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, जब तक तवा गर्म हुआ तब तक मैंने बटर लगा दिया, और बटर लगा कर मैंने इनको अच्छे से सेक दिए थे। ये मैंने सेक दिए इनको एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी, और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। सादा बनाते हैं, कोई मिर्च वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ, खाली सादा ही वो लोग खाते हैं। अपने लिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसमें ओरिगैनो और चिली सॉस वगैरह डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है। इसी में चीज़ भी डाल दो तो ना, तो वो और टेस्टी लगता है। पर चीज़ थी नहीं, इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाला था। ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको कट करके दे दूँगी, और बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं इसे। आप भी बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, आप भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी, और ये मैं नहा धो के आई थी, तो फिर मैं यहाँ पर पूजा पाठ करने लगी थी। थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति भी ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी नैया पार लगाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर पूजा करने लगी थी, आकर के फिर नहाने का। और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, उसमें कपड़े डाल दिए थे, ताकि जब तक मैं पूजा करती तब तक मेरे कपड़े सब धुल जाते, इसलिए मशीन भी साथ ही साथ लगा दी थी। तो जब तक मैंने पूजा की तब तक मेरे कपड़े भी धो गए, और ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े मशीन में। दो काम एक साथ हो जाते हैं, तो टाइम की बचत हो जाती है। टाइम चाहे जितना बच जाए, काम ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रही थी स्किन केयर, वो भी ज़रूरी है, करनी चाहिए सबको, स्किन अच्छी रहती है, नहीं करो तो स्किन डल हो जाती है बहुत, इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, और मैनली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, खाने के पहले ही मैंने नाश्ता वगैरह सब बना दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वो काम में बहुत पिन 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 करते हैं ना, इसलिए फिर मैंने खाना वगैरह सब बना करके, अरे नाश्ता वगैरह बना कर उनको खिला दिया था। और मैंने भी नाश्ता कर लिया है, अब जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में आज देखते हैं क्या बनाते हैं। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मार्क यही होता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं खाने में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ी काफ़ी दिनों से बनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कढ़ी बना लेते हैं। कल मैं बेसन भी ले आई थी, तो यहाँ पर मैं कढ़ी के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने बेसन डाला था, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, ताकि बचे ना, बर्बाद ना हो फालतू। यहाँ पर मैंने बेसन लिया था, बेसन में मैंने नमक डाला, हींग डाला, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला। इससे पकौड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा फुली फुली सी बनती हैं। और यहाँ पर प्लेट में मैंने धनिया रखा हुआ था काट के, और प्याज और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया था, मतलब उसमें जो वो होता नहीं अदरक कूटने वाला खल्लड़, उसमें मैंने कूट के इसको रख लिया था। और मार्केट में मुझे पालक मिली नहीं थी, इसलिए नहीं, पालक भी डालो तो और भी अच्छी बनती है। तो ये मैंने प्याज डाल दिया, धनिया डाल दी, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी, फिर पानी से डालकर इसको अच्छे से
फेंट लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बेकिंग सोडा डाला हुआ है, नहीं बेकिंग पाउडर डाला था, क्या डाला था पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो मीठा सोडा बोलते हैं जो, हाँ वो डाला था मैंने। फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये फूल जाए, और इसको ऐसे फेंट के मैं रख दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरी मैंने गैस चढ़ा दी थी, गैस अरे कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया था तेल, और तेल मेरा गर्म हो गया था। अब मैं इसमें तलूँगी अपने पकौड़े, जो मैंने घोल तैयार किया था पकौड़ों का, ये सब तेज आंच में ही डालकर फिर मैं इनको धीमा कर दूँगी, जिससे ये धीमे धीमे अच्छे से पक जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। फिर इनको मैं निकाल लूँगी, और तेज आंच में पकाने से ना ये कच्चे रह जाते हैं, इसलिए धीमी आंच में पकाएं। और ये जब तक पकौड़े पक रहे थे मैंने गैस धीमी कर दी, तब तक मैंने सोचा कि मैं दही और बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कढ़ाई जलने लगेगी पकौड़े निकालने के बाद। तो इसमें मैंने डाला है दही, और दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, नहीं अगर फेंटो ना तो फटी फटी सी कढ़ी में दिखती है, अच्छी नहीं लगती है। ये मैं फेंट रही थी, और फेंट के फिर मैं इसमें बेसन मिलाऊंगी, और फिट गया। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, बेसन मैंने केवल 2 चम्मच मिलाया है, क्योंकि फिर ये गाढ़ी भी हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे बनाना नहीं था, इसलिए मैंने 2 ही चम्मच डाला था बेसन। और ये पकौड़ियाँ मेरी बन गई हैं बिल्कुल एकदम कुरकुरी सी। अब मैं इनको निकाल दूंगी, प्लेट में निकाल कर मैं रख दूंगी। फिर मैं अपना ये बेसन का, बेसन और दही का जो घोल है, इसको अच्छे से फेंट के तैयार कर लूँगी, ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे, लम्स रहेंगे तो वो गाँठे गाँठे बनी रहेंगी उसमें। और जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल था उसको मैंने बाहर निकाल लिया था, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैंने उसका तेल जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया था। और ये मैं बेसन को घोल रही हूँ, जब ये अच्छे से घोल जाएगा तब मैं इसको अभी कढ़ाई में, फिर से मैंने कढ़ाई बंद कर दी थी तो उसका थोड़ा गर्म होने के लिए मैंने उसको रख दिया है तेल को। ये घोल मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, और कढ़ी में ना अच्छे से खूब सारा पानी डालकर उसको खूब खोल के खोलने दे, ताकि जो जब खूब खोल जाती है ना तब वो सोंधी सोंधी सी हो जाती है, उसमें टेस्ट आ जाता है अच्छा सा। और अगर थोड़ा ही पानी डाल के थोड़ा सा उसको पका के उतार देंगे तो फिर उसमें सोंधापन नहीं आता है, इसलिए मैं खूब सारा पानी डाल के चढ़ाऊँगी। ये मेरा घोल तैयार हो गया है, और अब मैं गैस करूँगी ऑन। तेल पहले से थोड़ा गर्म था इसलिए थोड़ा सा ही मुझे करना पड़ा। फिर मैंने इसमें डाली ढेर सारी हींग, क्योंकि हींग ढेर सारे, मुझे हींग की महक बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। तो इसको हम छौंकेंगे हींग और मेथी से। फिर इसके बाद जब ये पूरी पक जाएगी तो इसके ऊपर से मैं एक छौंक और लगाऊंगी राई और करी पत्ते की। तो मैं यहाँ पे तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी, और ये मैं इसको दिखा रही थी, ये पकौड़ियाँ ले लेके जा रहा था खाने के लिए, तो जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया तो ये भाग गया। ये तेल मेरा हो गया गर्म, अब मैंने डाली इसमें हींग, और अब मैं डालूंगी इसमें मेथी, फिर मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और फिर डालूंगी इसमें मैंने जो अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो मैं डालूंगी, और इसको थोड़ा पका दूंगी जिससे जो लहसुन का कच्चापन है वो हट जाए, नहीं फिर वो कच्चा कच्चा आता है मुँह में, अच्छा नहीं लगता खाने में। लहसुन वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये डालने से ना थोड़ा टेस्ट जो है ना और अच्छा हो जाता है कढ़ी का। बाकी मैं और कोई मसाले नहीं डालती हूँ, खाली हल्दी नमक बस इतना ही डालती हूँ। ये घोल मैंने डाल दिया, अब इसमें मैं और पानी डालूँगी,
ताकि ये पतली हो जाए, फिर ये अच्छे से धीमी आंच में पकेगी और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब मैं इसको उतार दूँगी, इसमें पकौड़े डाल दूँगी और इसको उतार दूँगी। तो इसको मैं चढ़ी रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ये देखिए मैंने कितना सारा इसमें पानी डाला है। और इसको खोलने देंगे हम। अभी देखिएगा आप ये कि कितनी पतली है, एकदम पानी जैसी है ये। ये देखिए ये एकदम पानी जैसी है और पकते पकते ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी। फिर ये मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है और देखिए कितनी मतलब पक्की एकदम आधी बची है और कितनी गाढ़ी हो गई है। और मैं यहाँ पे छौंक लगाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने उसमें ये डाली है हींग सरसों के तेल में, फिर मैंने डाली राई, फिर डाले मैंने करी पत्ते। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जो होती है, और फिर मैंने डाला है कश्मीरी मिर्च, इससे थोड़ा सा कढ़ी में हमारे रंगत आ जाएगी। और इसे ये छौंक को तैयार करके फिर मैं इसमें डाल, ये देखिए लग गया ना कढ़ी में चार चांद। देखने में टेस्टी भी कितनी लग रही है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो ये मेरी बनकर तैयार हो रही है, कढ़ी तैयार हो गई है। अब मैं साइड में चढ़ा दूँगी चावल और एक तरफ सेक लूँगी रोटी फटाफट से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो चावल मैंने उधर चढ़ा दिया था और ये मैं इधर रोटी सेक रही थी फटाफट से, और फटाफट से रोटी लगा के, रोटी मतलब सेक के फिर हम लोग इसमें थाली लगाएंगे और थाली लगा। तो खाना बन गया है और ये रही मेरी थाली भी लग गई है और अब मैं जा रही हूँ खाने। हमारे घर में आइसक्रीम वाला आया है, आइसक्रीम वितरण किया जा रहा है, नहीं क्या कहते हैं, वितरित की जा रही है। ये कटोरियाँ लगी हुई हैं और ये आइसक्रीम वाले बाबा बैठे हुए हैं। बोल बेटू आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो। आप खाओगी? और चेरी जी सो रही हैं। दोस्तों हो गया है चाय का टाइम और मैं पी रही हूँ चाय, ये रही चाय। और शाम का टाइम है और अब मैं वीडियो को यहीं पर करूँगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि एक लाइक बनता है ये। और ये यहाँ पे चल रही है लड़ाई सोन पापड़ी खाने के लिए, और ये चेरी भी आई है सोन पापड़ी खाने। तो चलिए मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।